सो हेलो गाइस, मैं हूं बबल्स व्लॉग्स और आप लोगों का स्वागत है एक नई पोकेमॉन वीडियो में। अरे क्रैप, स्क्रिप्ट क्यों गलत है? तुमने मुझे आलू का पराठा नहीं दिया ना, अकेले चट कर गया, इसलिए मैंने स्क्रिप्ट गलत लिखी। ओए तू निकल यहां से। हां जा रहा हूं, जा रहा हूं। तो गाइस उसको छोड़ो, चलो हम लोग अपनी क्यू एंड ए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस बार बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो चलो सबका आंसर देते हैं। तो गाइस आप लोगों का स्वागत है क्यू एंड ए वीडियो में, तो चलो सबके क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आया इजुको एडिट्स की तरफ से, तो उन्होंने पूछा एज, तो एज है मेरी 13, रियल नेम है प्रभजीत सिंह। आप बहन को प्रमोट क्यों नहीं करते? भाई मैंने किया था, और YT स्टार्ट किस लिए किया भाई, मज़े में कर दिया। एंड इजुको यूनाइट मेरा बेस्ट फ्रेंड किया, तो बीच में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। मैंने एक बंदा था लॉजर करके, मुझे पता नहीं था कौन था, तो मैंने ऐसी आईडी उसको दी थी, तो उससे मिसअंडरस्टैंडिंग से मेरे को लगा कि उसने आईडी स्कैम किया, तो तब से हम लोग दोस्त थे। अभी पता चल गया है, तो नो हेट टू इजुको। तो वही है लॉजर, वही है इजुको एडिट्स, ठीक है गाइस। और ये सब कुछ पता है पर अरे भाई सही है, तो इसने ये सब पब्लिक के लिए ऐसे ही मेरे क्वेश्चन बढ़ाने के लिए पूछा है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है एम एस ग्लिच की तरफ से, तुम कौन से क्लास में हो? तो मैं हूँ 8th क्लास में। तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सुपर स्कोप गेमर की तरफ से, तो इन्होंने पूछा है ओके फिर तो जब आपने YT स्टार्ट किया तो कौन सी क्लास में थे? पेरेंट्स की तरफ से सपोर्ट मिला या नहीं, और पढ़ाई का कितना प्रेशर था? एक बात और, बाय द वे कन्फिग वीडियो लाओ, और बाय द वे लव योर वीडियोस। तो जब मैंने YT स्टार्ट किया तो मैं था कुछ 6th क्लास में, और मेरे पेरेंट्स की तरफ से तो अच्छा खासा सपोर्ट था। जब मैंने पहली बार स्टार्ट किया तो मैंने बताया नहीं था कि मैंने YT ऐसा कुछ खोला है मैंने YouTube चैनल, तो उसके बाद जब मैंने बताया तो बहुत अच्छा सपोर्ट मिला मुझे। और पढ़ाई की तरफ से तो प्रेशर था भाई, पढ़ाई तो बहुत प्रेशर था। और कन्फिग वीडियो भाई जल्दी लाऊँगा, हाउ टू मेक कन्फिग वीडियो, ओके। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सुपर स्कोप गेमर की तरफ से एक और क्वेश्चन है कि आपका डिवाइस नेम? तो मेरा डिवाइस नेम है वीवो Y12 3GB रैम, ओके। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदर्श 33 एडिट से, सॉरी भाई आपका गलत नाम लिया है। तो हैशटैग क्यों है, व्हाट इज़ योर एज? गाइस मेरी एज है 13। व्हाट इज़ योर डिवाइस फुल नेम? वीवो Y12। आपको पेरेंट्स की तरफ से सपोर्ट मिला यूट्यूब में? हाँ बिल्कुल। आप हेडशॉट कैसे मारते हैं? गाइस मैं मारता हूँ रोटेशन ड्रैग, बहुत आसान होता है। तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो अगला क्वेश्चन है काइको पोई भाई का, इन्होंने पूछा आपको ब्रो आपको कॉन्फिग बनाना किसने सिखाया? तो मैंने खुद सीखा गन स्किन और रिमोट कॉन्फिग बनाना, और बाकी क्लोथ्स मुझे सिखाया है MFF भाई ने। तो थैंक्स टू हिम कि मैं आप लोगों को आज ओपी सा पैक दे पा रहा हूँ, तो उनको भी जाके सपोर्ट करो, बहुत ओपी कॉन्फिग बनाते हैं। तो चलो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है SK निंजा भाई का, इन्होंने पूछा है भाई सेंसिटिविटी वीडियो, ठीक है भाई मैं लाऊंगा बहुत जल्दी सेंसिटिविटी वीडियो, अगली वीडियो वही होगी, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अलीना फातिमा की तरफ, तो मैं किधर रहता हूँ? तो मैं रहता हूँ नवी मुंबई खारघर, ओके गाइस। और वेयर आर यू स्टिल OP? भाई इसका तो जवाब मेरे पास खुद के पास नहीं है। तो चलो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है उद्धव FF की तरफ से, तो उन्होंने पूछा है तुम्हारा असली नाम? मेरा असली नाम है प्रभजीत सिंह। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, थैंक यू फॉर कमेंटिंग। अगली क्वेश्चन है प्लीज़ हैंड कैम प्लीज़, ठीक है गाइस मैं बहुत जल्दी हैंड कैम लाऊंगा, ओके। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन भी अरीना फातिमा की जी तरफ से है, तो उन्होंने पूछा ब्रो योर एज? तो मेरी एज है 13 एंड वेयर आर यू स्टडिंग योर क्लास सेक्शन? तो मैं हूँ अभी 8th क्लास में, ठीक है गाइस। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आखिरी क्वेश्चन है ऋषिका कौर की तरफ से, और उन्होंने पूछा आपका फेवरेट जूस क्या है? तो मेरा फेवरेट जूस है ऑरेंज जूस, और ये आप लोगों को बता दूँ तो ये मेरी बहन है। तो ठीक है गाइस, तो Q&A यहीं समाप्त होता है। अब मैं आप लोगों को वो चीज़ बताता हूँ जो मैंने डिस्क्लेमर शुरू में डाली थी, ठीक है। तो भाइयों और बहनों आप सबका शुक्रिया इस चैनल पे बने रहने के लिए, आपकी वजह से आज मेरे 100 सब्सक्राइबर हुए हैं। तो इन 100 सब्सक्राइबर के लिए मैं पहले शुक्रिया कहना चाहूँगा अपने मम्मी को और पापा को जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और आप लोगों को स्पेशल थैंक्स कि आप लोग इस चैनल पर बने रहे, ओके बहुत हो गया। तो गाइज थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।